Hi friends, welcome to the desk. Friends, today I will teach about the use of keep, remain and go. Okay friends, keep, remain और go का इस्तेमाल हम sentences में कब करते हैं और किस तरह के sentence के लिए करते हैं. So, let's start the class of the day. Friends, वह गाता रहता है, वह खेलता रहा, तुम हंसते रहोगे. इस तरह के सेंटेंसेस को जब बनाना हो तो कीप, रिमेन और गो ऑन का इस्तेमाल होता है. ओके फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में जब कंटिन्यूटी बताई जाती है किसी काम को कि कंटिन्यूटी करते रहा या कंटिन्यू उसको करते रहना है या करते रहता है या करते रहेगा, ऐसा कुछ भी आए तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस कीप, रिमेन, गो प्लस ऑन प्लस वी में आईएनजी. ओके फ्रेंड्स, ये आपका जो इसका स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का. सो वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग. अगर आप ऑन नहीं भी कहते हैं, नहीं भी बोलते हैं तो भी चलता है. आजकल बिना ऑन लगाए ही लोग इस्तेमाल करते हैं और धड़ल्ले से हो रहा है, चलता है. ओके फ्रेंड्स, बट ग्रामेटिकल अगर देखें तो कीप के बाद ऑन जरूर आता है, रिमेन के बाद भी ऑन आता है और गो के बाद भी ऑन आता है, बट ऑन आप नहीं भी बोलेंगे तो आजकल चलता है. ओके फ्रेंड्स, ही कीप्स प्लेइंग या ही कीप्स ऑन प्लेइंग. फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट के बाद कीप का इस्तेमाल करेंगे, कीप की जगह पर हम रिमेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमेन की जगह हम गो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगाना जरूरी होता है. ही कीप्स ऑन प्लेइंग, इसमें सेकेंडरी वर्ब प्ले हो गया तो उसमें आईएनजी लगा है. ही रिमेन्स प्लेइंग, ही गोज ऑन प्लेइंग. ओके फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई गाता रहा, अब गाता रहा, अगर रहा हो गया इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है. सो यहां पर हम कीप का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. तुम्हारा भाई गाता रहा, योर ब्रदर केप्ट ऑन सिंगिंग. योर ब्रदर रिमेंड सिंगिंग, योर ब्रदर वेंट ऑन सिंगिंग. ओके फ्रेंड्स, मैं तीनों का इस्तेमाल आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पर हम कीप की जगह पर रिमेन का भी इस्तेमाल करते हैं और रिमेन की जगह पर हम गो का भी इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, बट आपको बोलते वक्त एक ही का इस्तेमाल करना, या तो कीप का इस्तेमाल कीजिए या तो रिमेन का या गो का. ज़्यादातर लोग कीप का इस्तेमाल करते हैं, कीप का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है. ओके फ्रेंड्स, वे लोग खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग, दे रिमेन प्लेइंग, दे गो ऑन प्लेइंग. वे लोग खेलते रहे, दे केप्ट ऑन प्लेइंग, दे रिमेन्ड प्लेइंग, दे वेंट ऑन प्लेइंग. तुम खेलते रहोगे, रहोगे, जब भी गागेगी से खत्म हो रहा है सेंटेंस, इसका मतलब साफ है कि ये फ्यूचर टेंस है. ओके फ्रेंड्स, जब फ्यूचर आता है तो उसमें हम शैल विल का इस्तेमाल करते हैं. सो तुम खेलते रहोगे, यू विल कीप ऑन प्लेइंग, यू विल रिमेन प्लेइंग, यू विल गो ऑन प्लेइंग. वह कहानी लिखता रहता है, ही कीप्स ऑन राइटिंग स्टोरी. वह कहानी लिखता रहा, He kept on writing story. वह कहानी लिखता रहेगा, He will keep on writing story. यहाँ पर keep की जगह हम remain या go का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay friends, तुम आते रह सकते हो, तुम आते रह सकते हो. यहाँ पर सकता सकती आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम can का इस्तेमाल करेंगे. Okay friends, you can keep on coming. तुम हंसते रहते हो, यू कीप ऑन लाफिंग. वह जाता रहा, ही केप्ट ऑन गोइंग. तुम इंग्लिश सीखते रहो, यू कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश सीखते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, यू शुड रिमेन लर्निंग इंग्लिश, यू शुड गो ऑन लर्निंग इंग्लिश. तुम्हें सीखते रहना है, यहाँ पर अभी सीखते रहना है मतलब जाना है, खाना है, पीना है, हैज टू, हैव टू वाला. ओके फ्रेंड्स, तो यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग.
आपको खेलते रहना है, यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग। आप लोगों को मेरे घर आते रहना है, यू हैव टू कीप ऑन कमिंग टू माई हाउस। आपको उसकी मदद करते रहना है, यू हैव टू कीप ऑन हेल्पिंग हिम। ओके फ्रेंड्स, आप मेरे पास आते रह सकते हो, यू कैन कीप ऑन कमिंग टू मी। वह गाता रह सकता है, ही कैन कीप ऑन सिंगिंग। वह सीखता रह सकता है, ही कैन कीप ऑन लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कीप, रिमेन और गो का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स से आपको पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे, और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।